एनएफ का असली नाम है नेथन फेरस्टाइन और उनका जन्म हुआ था मार्च 30th 1991 को। दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि एनएफ का जन्म हुआ था ग्लैडविन मिशिगन में, पर ऐसा सच नहीं है। उन्होंने gospel.com के एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वह बड़े हुए तब वह ग्लैडविन मिशिगन में आए थे। उनकी 80 बर्थ प्लेस है सिनीगॉग मिशिगन, वह एक छोटा सा गांव है मिशिगन में। दोस्तों ग्लैडविन मिशिगन में एक स्मॉल टाउन है सिर्फ 3000 लोगों की पॉपुलेशन के साथ। दोस्तों एनएफ ने अपना मेन बचपन इधर ही गुजारा था और जानकारी के मुताबिक एनएफ की 2 बहनें और कोई भाई नहीं है। दोस्तों एनएफ का इंटरेस्ट हिप हॉप और म्यूजिक करियर में 12 की उम्र से ही शुरू हो गया था। दोस्तों एनएफ पे ये टैग लगा हुआ है कि वह एक क्रिश्चियन रैपर है, ऐसा इस वजह से क्योंकि जहाँ से वो बिलोंग करते हैं और बचपन में भी वह टोबी मैक जैसे हिप हॉप ग्रुप्स और उनके दोस्तों ने भी उन्हें बहुत सारे क्रिश्चियन हिप हॉप ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, जैसे कि द गॉस्पेल गैंगस्टर्स और द ग्रिट्स जैसे हिट क्रिश्चियन हिप हॉप ग्रुप्स को सुनते हुए उनका बचपन बीता था। दोस्तों आपको बता दूं कि एमिनेम भी उनके एक बहुत बड़े आइडल थे जिनसे अब उन्हें कंपेयर किया जा रहा है। दोस्तों एनएफ बचपन में अपने गाने कैरोके इंस्ट्रूमेंट्स पर रिकॉर्ड किया करते थे। दोस्तों एनएफ ने अपने गाने नोटबुक में यह कहा है कि वह अपने गाने एक नोटबुक के पीछे वाले पेजेस पर लिखा करते थे। दोस्तों म्यूजिक और हिप हॉप ने एनएफ को अपने फैमिली इश्यूज से भी उठने में बहुत मदद की थी। दोस्तों एनएफ की लाइफ स्टोरी इतनी सैड और हर्ट टचिंग है कि एक पॉइंट पे उनके बचपन में उनकी मम्मी ने ओवर यूजेज पेन किलर्स का करना चालू कर दिया था, इसकी वजह से उनके पेरेंट्स का डिवोर्स तक हो गया। दोस्तों डिवोर्स के बाद एनएफ की मम्मी का एक बॉयफ्रेंड भी बना जो कि एनएफ और उनकी बहनों को बहुत अब्यूज़ करता था। दोस्तों एनएफ ने अपने गाने मेंशन में कहा है कि उनकी मम्मी का बॉयफ्रेंड उन्हें फिजिकली अब्यूज़ करता था, जिसकी वजह से वह उनकी बहनें अपने पापा के पास रहने चली गईं। एनएफ अपने पापा के बारे में बहुत बात नहीं करते हैं। उनके गाने लेट यू डाउन की म्यूजिक वीडियो और लिरिक्स को सुन के यह नहीं लगता है कि उनके पापा से उनकी बहुत बनती थी। उनके गाने नेट को सुन के यही लगता है कि वह अपनी मम्मी से थोड़े अटैच थे, पर पूरी कहानी हम लोग को नहीं पता। एनएफ जब अपने पापा के साथ रहने लगे तो उनके रिलेशनशिप्स उनकी मम्मी के साथ थोड़े थोड़े स्ट्रेन होना चालू हो गए थे और एनएफ के ग्रैंडफादर एक पैस्टर थे। ग्रैंडफादर का पैस्टर होने की वजह से जाहिर सी बात है कि उनका क्रिश्चियनिटी में इंटरेस्ट बढ़ना चालू हो गया था और वह बचपन में अपने ग्रैंडफादर के साथ चर्चेज में जाते थे, पर टीनेज में एनएफ क्रिश्चियनिटी पर सवाल उठाने लगे थे और गॉड की एग्जिस्टेंस पर भी। कॉन्टैक्ट के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि गॉड उनके पास म्यूजिक के फॉर्म में आ रहे थे। गॉड के साथ इस रिलेशनशिप की वजह से एनएफ को एक शक्ति मिली अपने लाइफ के टफेस्ट टाइम को पास करने में, जो कि थी उनकी मदर की डेथ। एनएफ ने कॉन्सर्ट में बताया था कि उनकी जस्ट उनकी मम्मी से एक दिन बात हुई थी और फ़ोन काटने के बाद उनको तुरंत ये न्यूज़ मिली कि उनकी मम्मी की डेथ हो चुकी है। और दोस्तों डेथ का कॉज था पिल्स का ओवरडोज है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ उनकी मम्मी बहुत करती थी। और दोस्तों यही इंस्पिरेशन है हमारे लिए और एनएफ रियल म्यूजिक के लिए भी। तो दोस्तों ये था पार्ट 1 अबाउट द चाइल्डहुड एंड द अर्ली लाइफ ऑफ एनएफ रियल म्यूजिक। पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब, और जिसमें मैं बताऊँगा एनएफ के करियर और कैसे उन्हें इतनी शोहरत मिली। थैंक्स। और हाँ दोस्तों ये वीडियो थी XXX चिल पांडा की, तो फुल क्रेडिट्स टू हिम, मैंने बस वॉइस ओवर किया है हिंदी में, तो थैंक्स।